रोहिणी में धमाके के बाद शाहदरा जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। त्योहारी सीजन में सुरक्षा इंतजामों पर विशेष जोर। डीसीपी की अपील, संदिग्ध गतिविधियों पर रखें नजर। पूर्वी दिल्ली में खुलेआम तोड़े जा रहे हैं ग्रैप ए के नियम। सिविल लाइन की खुदाई और निर्माण कार्यों में बड़ा प्रदूषण का स्तर। प्रशासन भी इस ओर नहीं कर रहा सख्त कार्रवाई। प्रदूषण बढ़ने के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर छाया संकट। स्वामी दयानंद अस्पताल में लगातार आ रहे हैं अस्थमा के मरीज। डॉक्टरों का अलर्ट, प्रदूषण से बचने के लिए जरूर पहने मास्क। सीलमपुर में लूट का विरोध कर रहे युवक की जमकर पिटाई। आधा दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। पुलिस आरोपियों की कर रही है तलाश। पूर्वी दिल्ली में कई इलाकों में चरमराई सफाई व्यवस्था। गंदगी होने के कारण बढ़ रहा बीमारियों का खतरा। लोगों का कहना, गलियों में नहीं हो रही है सफाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ खुशी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। दिल्ली के रोहिणी इलाके के प्रशांत विहार में कल धमाके के बाद सनसनी फैल गई। पुलिस अलर्ट मोड पर है। रोहिणी में हुए धमाके की वारदात के बाद हमने शाहदरा जिला के डीसीपी प्रशांत गौतम से बात की और जाना कि शाहदरा जिला के इलाके में सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए। डीसीपी ने बताया कि आरडब्ल्यूए के साथ और सभी थानों के एसएचओ के साथ साथ मीटिंग की गई। इलाके में पेट्रोलिंग और अभी तक जिले में 6 मॉकड्रिल की गई। वहीं पैदल मार्च निकालकर सिक्योरिटी की जा रही है। साथ ही टूर एंड ट्रेवल वालों से और होटल में रुकने वाले गेस्ट पर भी नजर रखी जा रही है और साथ ही वाहनों की चेकिंग भी बढ़ा दी गई है। शाहदरा जिले पूरे अलर्ट मोड पर है। यहाँ पर छोटी से छोटी चीज पर नजर रखी जा रही है। डीसीपी ने लोगों से भी अपील की है कि त्योहार के टाइम में मार्केट में ज्यादा भीड़ रहती है, ऐसे में अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति या सामान नजर आता है तो नजदीकी पुलिस स्टेशन में उसकी शिकायत जरूर करें। कल ये जो घटना हुई है उसके बाद हमने शाहदरा जिले के अंदर एंटी टेररिस्ट मेजर बढ़ाए। हमारी आईज एंड ईयर्स टीम की कल 67 मीटिंग हमने करी है। उसके अलावा इंटेंसिव फुट पेट्रोलिंग हमने करी है 14 इलाकों में जो भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं वो। आरडब्ल्यू एमडब्ल्यू की हमने 4 मीटिंग करी है कल। सेकेंड हैंड कार डीलर्स को हमने वेरीफाई किया है 11 को। मार्केट मॉल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हमने 7 उनकी चेकिंग कराई है। इसके अलावा टेनेंट सर्वेंट वेरिफिकेशन के हमने 46 वेरिफिकेशन किए। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में ग्रैप एक के नियमों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है जिससे प्रदूषण की स्थिति और गंभीर हो रही है। सूरजमल विहार, गांधीनगर और आनंद विहार जैसे इलाकों में सड़कों के किनारे मलबा और निर्माण सामग्री बिखरी हुई पाई गई। इसके साथ ही सूखा कूड़ा हवा में मिलकर प्रदूषण बढ़ा रहा है। रोड साइड पर अव्यवस्थित निर्माण और सीवर लाइन डालने के लिए चल रही खुदाई के हालात और खराब कर दिए हैं। सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाला बदरपुर भी सड़कों पर फेंका जा रहा है जबकि रेहड़ी पटरी वाले खुलेआम कोयले वाले तंदूर का इस्तेमाल कर रहे हैं जो प्रदूषण के स्तर को और बढ़ा रहा है। जब संवाददाता ने रेहड़ी पटरी वालों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कैमरे से बचने की कोशिश की। वहीं सिविल लाइन के कामों में लगी ड्रिल मशीन के आसपास के लोग भी कैमरे से दूरी बनाए नजर आए। इसी बीच प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं कि क्योंकि उल्लंघनों के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं दिख रही। दिल्ली के सीएम ने पूर्वी दिल्ली का दौरा कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे लेकिन स्थानीय प्रशासन अब तक कोई काम करता नहीं नजर आ रहा है जिससे खुलेआम ग्रैप के नियमों का उल्लंघन जारी है। दिल्ली के अंदर बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली के अंदर तमाम व्यवस्थाओं को संभालने के लिए ग्रैप वन की पाबंदियां लागू की गई हैं लेकिन पूर्वी दिल्ली के तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर अब भी जो ग्रैप वन की पाबंदियाँ हैं उसकी धज्जियाँ उड़ती हैं। फिलहाल हम मौजूद हैं गांधीनगर क्षेत्र में जहाँ पर रघुवरपुरा में विधायक द्वारा गली बनाई जा रही है लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ड्रिल द्वारा रोड की खुदाई की जा रही है जिससे कहीं ना कहीं धूल उड़ेगी और उससे पॉल्यूशन बढ़ सकता है। फिलहाल ये देख सकते हैं किस तरह से कि रेत भी रखा गया है। रेत का भी आप बता दें कि ग्रैप के वन के अंदर किसी भी कंस्ट्रक्शन काम को अगर करना है तो उसको बचाना पड़ेगा कि इसको रेत को यहाँ पे ढका होना चाहिए था। वहीं अगर हम बात करें सूरजमल विहार के, सूरजमल विहार की क्षेत्र की बात की जाए तो वहाँ पे शिक्षा सदन में भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है जिसका मलबा रोड पर रखा है बिल्कुल खुला जिससे कहीं ना कहीं जो धूल उड़ती है उसे
पॉल्यूशन स्तर बढ़ सकता है। इस पर कहीं ना कहीं अभी पूर्वी दिल्ली में मुख्यमंत्री आतिशी ने भी आनंद विहार बस स्टैंड पर दौरा किया था, जिसपे कहीं ना कहीं वहाँ के जो दिक्कतें थी उस पर एक्शन लिया था। अब देखने वाली बात यह है कि पूर्वी दिल्ली के इतने बड़े बड़े क्षेत्र हैं और तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर अब भी लोगों ने नाला जो एमसीडी द्वारा या पीडब्ल्यूडी द्वारा या तमाम कार्रवाई की जाती है, कूड़ा कचरा सूखा मलबा हर जगह रखा है, लेकिन अभी तक वो उठा नहीं है। वो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन ग्रैप वन की उल्लंघन की प्रतिक्रिया में आता है और उसको बचाने की और उनको हटाने की जिम्मेदारी भी प्रशासन की है। वीडियो चल रही सल्तुत भारद्वाज के साथ विवेक पठानिया, सीसीएन दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं भी गंभीर होती नजर आ रही है। अस्पताल में इससे प्रभावित होकर मरीज भी बढ़ते जा रहे हैं। अब मौसम में बदलाव और बढ़ता प्रदूषण लोगों की जान की आफत बनता गया ऐसे में जब हमने स्वामी दयानंद अस्पताल के डॉक्टर सचिन से बात की तो उन्होंने बताया कि मौसम में बदलाव और प्रदूषण के कारण अस्पताल में सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। खासकर अस्थमा के मरीज को प्रदूषण से काफी परेशानी हो रही है। डॉक्टर सचिन ने लोगों को सलाह दी है कि वे जब भी बाहर निकले अपने चेहरे को मास्क या रुमाल से ढककर निकले, इससे प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों से बचा जा सकता है। देखिए, पोल्यूशन डेफिनेटली बढ़ रहा है और पोल्यूशन से संबंधित जैसे मरीज आ रहे हैं, मेनली सांस की दिक्कत लेके आ रहे हैं। कई मरीज आते हैं जिनको सांस लेने में पहले से दिक्कत है, जैसे COPD वाले मरीज, उनकी दिक्कत इस मौसम में अमूमन देखी जाती है कि वो बढ़ जाती है और ऐसे मरीज़ों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दूसरे मरीज़ जैसे ब्रोंकियल अस्थमा है, वो भी बढ़ रहे हैं। निमोनाइटिस वाले मरीज़, वो भी काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। डेफिनेटली लोगों को समस्या इस टाइम पे ज़्यादा है और समस्या है पोल्यूशन की। बचाव करने का जो मेन तरीका है वो ये है कि कम से कम धुएं का एक्सपोजर हो, पोल्यूशन कम से कम हो। लेकिन अगर आपको बाहर जाना ही पड़ रहा है तो मास्क का उपयोग करें। गाड़ियों से जो पोल्यूशन निकलता है उसको सरकार स्टेप्स लेगी, लेकिन मरीज़ जो अपने लेवल पे काम कर सकते हैं वो यही है कि कम से कम बाहर निकलें, बहुत ज़रूरत हो तो मास्क लगाएं बाहर निकलते समय, जो दवाइयाँ दी जाती हैं उनका नियमित तौर पर सेवन करें। जो मरीज़ पहले से दमे के हैं या COPD वाले मरीज़ हैं, उनको स्पेशली इस टाइम पे दवाइयाँ अपनी रेगुलर तौर पे लेनी चाहिए। देखिए, अगर हम एक नॉर्मल प्रतिशत में बात करें तो जैसे मान लीजिए हमारे OPD में 100 पेशेंट, एक मैं रफ एस्टिमेट बता रहा हूँ, मतलब नंबर ले रहा हूँ कि 100 मरीज़ अगर आते हैं तो 100 में से जो सांस के मरीज़ होते हैं उनकी संख्या आप समझ लीजिए करीब 40 से 50 तक होती है, जैसे जो सिर्फ सांस की बीमारियों से संबंधित होते हैं। इनमें से भी आजकल यही देखा जा रहा है कि अधिकतर वो मरीज़ों की संख्या वो बढ़ती जा रही है। तो मेन कारण कहीं ना कहीं मौसम बदलता हुआ है, साथ में बदलते हुए मौसम के साथ में पोल्यूशन का प्रभाव है। सीलमपुर इलाके में शनिवार को युवक से लूट का विरोध करने पर जमकर पिटाई करने का मामला सामने आया। आधा दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित की पहचान 21 वर्षीय सौरभ के रूप में हुई है। उन्होंने मामले में 3 लोगों के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आसपास लगी CCTV कैमरे की फुटेज से आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित सौरभ सीलमपुर इलाके में परिवार के साथ रहता है। परिवार में माता पिता, बड़ा भाई और अन्य लोग हैं। सौरभ के भाई विक्रांत ने बताया कि उनका भाई सौरभ रैपिड ऐप से जुड़कर बाइक चलाने का काम करता है। शनिवार रात वह खाना खाने के बाद टहलने निकला था। करीब 10:30 बजे अचानक आधा दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और पीड़ित को पकड़कर उनकी जेब से करीब 900 रुपए लूट लिए। इसके बाद आरोपी पीड़ित से उनकी बाइक की चाबी और मोबाइल फोन भी मांगने लगे। पीड़ित ने देने से मना किया और उनका विरोध किया तो आरोपियों ने मिलकर पीड़ित को जमकर पीट दिया। बुरी तरह पिटाई के बाद स्थानीय लोगों के इकट्ठे होने पर आरोपी मौके से फरार हो गए। इसके बाद मामले की सूचना पीड़ित के बड़े भाई विक्रांत को मिली। उन्होंने तुरंत पुलिस को मामले की सूचना दी और पीड़ित को LBS अस्पताल पहुंचाया। वहां से पीड़ित को GTB और GTB से एम्स ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज किया गया। पुलिस पीड़ित के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है।
पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में सफाई व्यवस्था इस समय चरमराई नजर आ रही। लगातार समस्याओं का समाधान न होने के कारण बीमारियों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। इसके बावजूद भी प्रशासन जाग नहीं पा रहा है और इलाकों में गंदगी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। त्योहारी सीजन है और लोग ऐसे में अपने घरों में साफ सफाई करके कूड़ा भी बाहर फेंक देते हैं, लेकिन उसको समय पर न उठाने से समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। बात करें अगर झिलमिल के डी ब्लॉक की, वहाँ के लोगों को कहना है कि यहाँ पर कूड़ा उठाने वाली गाड़ी बहुत जल्दी आ जाती है और अगर कूड़ा लाने में देरी हो जाए तो वह कूड़ा नहीं ले जाती है और इलाके में साफ सफाई की व्यवस्था भी नहीं हो पाती है। वहीं आर्य नगर के लोगों का मानना है कि गलियों में सफाई करने वाले कर्मचारी नहीं आते, जिसकी वजह से कई कई दिनों तक कूड़ा गलियों और सड़कों में पड़ा रहता है। कर्मचारी है, उनको क्या मना कर रखा है इन्होंने, वो अपनी ड्यूटी देना चाहते हैं लेकिन उनको मना कर देते हैं। तो और उस सफाई ना होने की वजह से डेंगू की इतनी केस आ रहे हैं, आप हॉस्पिटल में जाके देखिए, वहाँ पे भी इलाज नहीं हो पा रहा क्योंकि आम आदमी पड़ गए। सभी जगह कहीं पे भी आप गांव में देख लिए, कलकड़डूमा गांव, आपको मैं आपको सामने दिखाता हूँ, देखिए इधर वहाँ पे क्या हालत हो रही है, ये आप देख सकते हैं। सफाई नाली नहीं सफाई हो रही है, सड़क पे सड़क की सफाइयाँ नहीं हो रही हैं, कूड़े के ढेर पड़े हैं। नो, कोई नहीं आ रहा है। अब क्या कारण है ये तो MCD मेहर जो बता सकती है कि क्या कारण है। सफाई के नाम पे तो जीरो है, क्यों आते जाते सड़कें भी देख लो, सारे कुछ देख लो, कहीं भी सफाई नहीं है। जबकि गलियों में तो कभी दिखता ही नहीं झाड़ू वाला कूड़ा। तो अगर बाई चांस नाली भी सफाई हो जाए तो कभी कभार, आज सफाई हो रही है तो 10 दिन बाद आए, जब तक वो फिर वापस उसी में चला जाता है। ज़्यादा लग रहा है, अभी त्यौहार का टाइम है, ऐसे ही लोग तो अपने घर का एक एक तिनका तक साफ कर देते हैं। यहाँ तो सड़क पे देखो तो बुरा हाल हो रखा है। नहीं नहीं, जब वही तो बोल रहा हूँ मैं, जब होती है भी है तो वो 10-10 दिन 15-15 रहता है, तब तक फिर वो वापस उसी नाली में चला जाता है, उठाया नहीं जाता। जबकि कायदे से हो कि झाड़ू लगे साथ के साथ उठाता रहे, निगम को करें साफ सफाई पे ज़्यादा ध्यान। जबकि यह है कि है ही हर जगह निगम के आदमी तो हैं, इतने लोग सदस्य बनते हैं, सब उस रास्ते से गुजरते हैं, फिर भी उनमें से कोई ना कोई तो होगा उनके जानने वाला, तब भी वही जस के तस पड़ा रहता है कूड़ा जस। आप बाहर रोड पे जाओ, इतनी गंदगी है, प्रशासन तो आपके माध्यम से रोज देखते हैं लेकिन कर्मचारी ध्यान नहीं देते। केजरीवाल जी को चाहिए कि स्टाफ को बढ़ाएं, और आप रोड पे जाइए, दिवाली का समय है, जगह जगह गंदगी पड़ी हुई है और आप देखते हैं कि लोग भी बीमार हो रहे हैं। अब बीमारी में पैसा खर्चे या त्यौहार मनाएं, आजकल त्यौहार भी पैसे वालों के रह गए, गरीब आदमी का त्यौहार नहीं है। गरीब आदमी तो वही गंदा पानी आता है, गंदा पानी पियो, बीमार हो जाओ हॉस्पिटल में जाकर के लेट जाओ। अब ये बताओ कि हम त्यौहार बनाएं या हॉस्पिटल में एडमिट हो, गंदगी इतनी है निकलना भारी पड़ जाता है। हम सबको मिलके काम करना चाहिए, हमें अपने घर में डस्टबिन रखना चाहिए, डस्टबिन के अंदर पोलोथीन रखनी चाहिए जिसमें हम कूड़ा इकट्ठा करें और कूड़ेदान तक फेंकाएं। लेकिन कूड़ेदान भी तो अब गवर्नमेंट ने जगह जगह बंद कर दिए, आप देख रहे हो कूड़ेदानों में दूध की दुकान और ये दुकानें खोल दी हैं। साफ सफाई तो है नहीं बिल्कुल, आप यहाँ भी देख सकते हैं कहीं सफाई नहीं है, 0% सफाई है, मच्छर इतने उग रहे हैं, पानी जमा हो जाता है, सैनिटेशन इतनी बेकार हो रखी है, कुछ काम नहीं हो रहा है, कोई नहीं आता। अगर आता है तो जैसे कि किसी की 9 बजे की शिफ्ट है तो कोई 11 बजे आ रहा है, कोई 12 बजे आ रहा है, कोई आता ही नहीं है। सैटरडे संडे तो उन्होंने ऐसे ऑफ ले रखा है जैसे सरकारी छुट्टियां हैं इनकी, संडे को भी नहीं आता इतनी यहाँ पे। अगर आप सुबह कभी कभी सुबह आओ तो 8-9 बजे यहाँ पे इतना डस्ट होता है, यहाँ डस्ट होता है। अभी आप देख लीजिए, कह रहे सुबह सफाई हुई है पर आपको कहीं लगता है कि यहाँ सफाई हुई है? कहीं नहीं सफाई हुई। पूर्वी दिल्ली के CBD ग्राउंड में सोमवार को DDA अधिकारियों ने अवैध दुकानों पर कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। इस क्षेत्र में रोजाना सड़क किनारे रेहड़ी पटरी और चार पहिया वाहनों में दुकानदार अपनी दुकानें लगाते थे, जिससे राहगीरों को काफी परेशानी हो रही थी। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने जब DDA अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि जनता की शिकायतों के बाद भी यहाँ खुलेआम शराब का सेवन और मांसाहार खाने का सामान बिक रहा था, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि कार्रवाई के दौरान कुछ दुकानदारों ने उनके साथ बदतमीजी की, लेकिन उन्होंने अवैध रूप से बनी टपरियों पर बुलडोजर चलाने का फैसला किया। अधिकारी ने दोहराया कि वे कई बार कह चुके हैं कि DDA की जमीन और सड़कों पर दुकानें ना लगाएं, लेकिन दुकानदारों ने उनकी बात नहीं मानी। ये CBD है, पूरा फुटपाथ, इधर फर्श बाजार भी है और इधर आनंद विहार थाना लगता है। जिनको भी मना करो वही लड़ने को आते हैं, और शाम को यहाँ पे चिकन की रेडी लगेंगी, ऐसा समझो जहाँ यहाँ पे ऑन रोड दारू का बार बन गया हो। इनके कंप्लेंट कर करके मैं थक गया हूँ, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं है। मैं DDA में हूँ,
मैं DDM है यहाँ पे, सिक्योरिटी गार्ड जो इंचार्ज है यहाँ का वो मैं हूँ। देखा जाता है कि आपके साथ भी जब आप एक्शन लेते हैं। हाँ, अब वो तो आपके सामने ही है जी, अभी आपके सामने ही है। अब क्या बोले इनको, कोई मानने को राजी नहीं है, लड़ने को बेकाबू रहते हैं। शारदा जिला की गीता कॉलोनी पुलिस ने एक दिन में 4 घोषित भगौड़ों को ढूंढकर दबोचा है। इन आरोपियों पर लूट, यौन उत्पीड़न, चोरी और झपटमारी के मामले दर्ज हैं। पुलिस उपायुक्त प्रशांत गौतम ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों पर यमुनापार के विभिन्न थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपियों की पहचान सिद्धार्थ, गौतम, सोनू, अमन और राजू के रूप में हुई है। इन सभी आरोपियों को गत 6 महीनों के भीतर ही भगौड़ा घोषित किया गया था, क्योंकि ये अदालत में पेश होने और गिरफ्तारी से बचने के लिए छिप रहे थे। डेंगू के मरीजों में हर रोज इजाफा हो रहा है, उसके बावजूद भी पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में फॉगिंग अभी तक नहीं की जा रही है। कुछ एक जगह ऐसी है जहां फॉगिंग हो रही है, लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर फॉगिंग नहीं की जा रही है। इसके कारण डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा इलाकों में फॉगिंग की जानी चाहिए, जिससे डेंगू के बढ़ते मरीजों में कमी आए और लोगों को परेशानी ना हो। इलाकों में 2 बार तो हुई है, हमारे आनंद विहार में हुई है और ज़बरदस्ती करने पे, कंप्लेन करने पे हमारे यहाँ भी हुई है। वैसे हाँ, DDA फ्लैट्स में, जबकि एक छोटा सा एरिया है, अगर चाहें हमारे नेता चाहें तो एक ही बार में कवर हो सकता है, लेकिन उसको करने के लिए हमें दोबारा बुलाना पड़ा। इस समय मच्छर बहुत ज़्यादा हैं और डेंगू के केस निकल रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं और लोगों को परेशानी हो रही है। इसलिए मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा नेताओं से भी और सभी गवर्नमेंट संस्थाओं से कि लोगों को जागरूक करें और लोग गलत फहमियों में न पड़े रहें। डेंगू अगर हो भी जाता है तो पानी जितना ज़्यादा लिक्विड लें उतना ही बेहतर होगा। देखिए, हमारे एरिए में पिछले 1 महीने में 1 या 2 बार फॉगिंग के लिए आए थे, तो उसके बाद जो है कोई झांका तक नहीं। और दूसरा सबसे बड़ी बात है सफाई की, कूड़े के ढेर जगह जगह पड़े हुए हैं, मच्छर ब्या रहे हैं, मच्छर उनमें पैदा हो रहे हैं। और ये स्थिति है कि बाहर के बंगाली और जो अदर लोग बाहर से आए हुए हैं वो कूड़ा ले लेके जाते हैं, ठीक है, और घरों के आगे से उन्होंने पैसे बांधे होते हैं, वो कूड़ा उठाते हैं अलग अलग जाके, ठीक है। और जो सरकार की सुविधा मिलनी चाहिए, जो होनी चाहिए, वो खाना पूर्ति के लिए स्वीपर आता है, वो अपने उससे सफाई करने वाले से ना 2-4 बार पानी हिला उलू के बाहर थोड़ा सा पानी गिरा देगा, देखो हो गई सफाई, उसका दरोगा आएगा, पानी दिखा, पानी गिरा हुआ है, सफाई हो गई। असलियत में वहाँ झांक के दरोगा नहीं देखता, वो ना उनका कोई अफसर आता है। मैम, जहाँ तक मुझे पता है मेरे नॉलेज में और मेरे एरिया में अभी तक कोई फॉगिंग नहीं हुई है, और जिस हिसाब से डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं सरकार को थोड़ा सा इसमें स्टेप लेना चाहिए सीरियस होके, क्योंकि अभी मैंने देखा पिछले हफ्ते मैं अपना आसपास के एरिया में घूम रहा हूँ, वहाँ पे वहाँ के जो वार्ड के पार्षद वगैरह हैं वो करवा रहे हैं, बट मैं आनंदघर एरिया में रहता हूँ, अभी तक मेरे एरिया में फॉगिंग नहीं हुई है, नहीं हुई है। और इवन नाली की हालत इतनी बुरी हो रखी है, नाली ओवरफ्लो हो रही है, सीवरेज बहुत ख़राब है, सारा पानी बाहर आ रहा है, इसकी वजह से मच्छर इतने पैदा हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं पार्क में, रहते हैं वहाँ रहते हैं, तो काफ़ी दिक्कत है और ख़तरनाक भी बच्चों के लिए, तो इस मेरे हिसाब से इनको देखना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। गांधीनगर के DAB स्कूल में रविवार को स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व प्रिंसिपल नरेश कुमार चौधरी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत गायत्री परिवार की ओर से यज्ञ किया गया। समारोह में लगभग 75 पूर्व छात्रों ने भाग लिया और अपने बचपन की यादों को ताजा किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार दिनेश बत्स ने कविता पाठ और पूर्व प्रिंसिपल नरेश चौधरी ने हास्य कविता प्रस्तुत की और अन्य छात्रों द्वारा देशभक्ति गीत और स्वदेशी के महत्व पर विचार साझा किया। कार्यक्रम का संचालन गुलशन सिक्का द्वारा किया गया। तो लगता है कि मैं 20-30 साल छोटी उम्र में पहुंच गया हूं, और इन सब का प्यार स्नेह देख करके लगता है कि जो भाग्य से हमें ये प्रश्न मिला, ये हमारे लिए एक वरदान है कि इतने लोगों का हमें प्यार और स्नेह मिल रहा है। और विशेष रूप से पंचाल जी, श्री जी जो हैं, इन्होंने जो व्यवस्था की है, जो प्रयास किए हैं, विद्यालय विद्यालयों को संभाल रहे हैं, ये बधाई के पात्र हैं। पुराने छात्र, पुराने गुरु भी आए हैं, ये भी देखो ना, हमारे पुराने गुरु आए हैं, कब हम पढ़े इनसे, 87 में पास आउट कर दी और 6वीं 7वीं 8वीं में गुरु जी से पढ़े, और अभी तक 40 साल तक इनका आशीर्वाद, समय समय पे संस्कार, और जब हमारी कोई गलती होती है तो इतना अधिकार की कान पकड़ कर खींच कर हमें सही करना, ये सब विद्या भारती हिंदू शिक्षा समिति DAV विद्यालय में ही
है, क्योंकि यहाँ के अध्यापक, यहाँ के जो बंधु हैं, सबको संस्कार सिखाया जाता है कि कैसे संस्कार, माता पिता के पैर छूना, अपने बड़ों का आदर करना, ये सब हमारी संस्कृति में। और आज जितने भी हमारे भैया बहन भैया पुराने छात्र आए हैं, उन सबको देखकर दिल भर आया और बहुत अच्छा लगता है अपने पर पुराने मित्रों को मिलकर। और इस पुराने स्कूल के अंदर जब हम आते हैं, एंट्री करते हैं, आज हमारे बीच में हमारे प्रधानाचार्य नरेश चौधरी जी आए, उनको मिलकर उनको देख के बड़ा आनंद हुआ। वो तो जब मैं बचपन में था तो एक बड़ी शरारत करता था और उनसे बड़ा डर भी लगा करता था, स्कूल के अंदर शरारती था, नरेश जी बड़े सख्त थे, वो यादें ताज़ा हो जाती हैं। और अभी कुछ हमारे जो मित्र हैं आए नहीं हैं, क्योंकि संख्या आज हमारी कम रही है। और मेरा अपना एक अनुभव है और एक विचार भी है कि आने वाले अगले जो साल में ये कार्यक्रम हुआ पुरातत्व छात्र मिलन का, उसमें उनके परिवार और उनके बच्चे भी आए। ये अपने आप में बड़े सौभाग्य की बात है कि जिस धरती पर बैठ करके हमने संस्कार सीखे, पढ़ाई में कुछ प्राप्त किया, और पढ़ाई में प्राप्त करने के बाद आज अपने अपने क्षेत्रों में हम सब लोग आत्मनिर्भर हैं। वो उन गुरुओं की देन है जिन्होंने हमको पढ़ाया है, जिन्होंने हमको मार मार के समझाने का प्रयास किया है। उनका एक ही उद्देश्य था कि मेरा बच्चा मेरे से आगे बढ़ना चाहिए, जिसमें आज हम अपने आप को सफल भी मान रहे हैं। और हम तो बहुत खुश हैं कि ऐसा संगठन और ऐसा एक मंच हमको प्रदान किया गया है जिसमें हम पुराने मित्रों से मिल सकते हैं और जिनसे हमने सीखा है उनका सानिध्य आज भी हम प्राप्त कर सकते हैं। इससे बड़े सौभाग्य की बात हमारे कुछ नहीं हो। और हमें बहुत अच्छा एक गर्व महसूस हो रहा है कि हम अपने स्कूल के अंदर आज 25 साल बाद दोबारा हम आ सके हैं। एक ऐसा अनुभव मिल रहा है कि पहले हम सोचते थे स्कूल कब ख़त्म होगा, कब हम व्यवसाय करेंगे। आज हम दोबारा स्कूल के अंदर आ गए, एक अपने अंदर एक ऐसा उत्साह महसूस कर रहे हैं कि स्टूडेंट लाइफ सबसे बढ़िया लाइफ है, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। मैं इनका बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने ये काम किया। दिल्ली में कई जगह पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए पिंक बूथ बनाए गए थे, जिनमें कांस्टेबल महिलाएं रखी गई थी, ताकि महिलाओं को किसी तरीके की कोई दिक्कत होती है या कोई समस्या होती है तो वह इन बूथ में जाकर अपनी शिकायतें बेझिझक लिखवा सके और समस्या का समाधान एक महिला पुलिसकर्मी के द्वारा करवाया जा सके। लेकिन हमारे संवाददाता ने विश्वास नगर विवेक बिहार ज्वालानगर में पिंक बूथ का जायजा लिया तो बूथ बंद नजर आए, इन पर कोई भी महिला कांस्टेबल नजर नहीं आती। पिंक बूथ को बनाने का जो उद्देश्य था वे पूरी तरह विफल होता नजर आया। इसको लेकर महिलाओं का कहना है कि जब पिंक बूथ का निर्माण किया गया है तो कम से कम त्योहारी सीजन में तो पिंक बूथ शुरू करना चाहिए। जगह जगह ये जो दिल्ली पुलिस ने ये बूथ बनाए थे चौराहे के ऊपर, मगर ये बनाए तो नक्शे में तो बहुत अच्छे थे, मगर यहाँ पे ये बिल्कुल घर बेकार है, क्योंकि इन पिंक बूथों पर आज तक कोई कॉन्स्टेबल नहीं है, कोई महिला कॉन्स्टेबल नहीं बैठती, ना कोई पुलिस वाला बैठता। वहाँ पे ऐसे तारे लगे हुए हैं और बल्कि गाय भैंसों ने अपना ऐसा बना दिया, जगह जगह गोबर कर रही है। तो अगर ये सरकार ने पिंक बूथ का सजेशन दिया था तो इसको कम से कम कार्यान्वित तो करें, कम से कम इसको प्रोसेस में तो लाएँ, कम से कम यहाँ पे पुलिस वाले बैठे तो सही, ताकि किसी भी प्रॉब्लम में उठाने ना जाके यहाँ पे आपकी समस्या का हल कर सकें। ये जो पिंक बूथ बने हुए हैं इनका कोई यूज़ तो है नहीं, ये वेस्ट ऑफ एक तरह से जगह घिरी हुई है, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने पिंक बूथ बनाए हैं वहाँ पर कोई ऐसा बंदा तो बैठाओ कोई कि किसी की हेल्प हो सके, कोई कॉन्स्टेबल या लेडीज़ कॉन्स्टेबल कोई तो हो वहाँ पर, तो ऐसे बूथ बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं चाहूँगी कि ये ना हो तो ज़्यादा बढ़िया। दिल्ली सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि दिल्ली में बेहतरीन सड़कों का निर्माण किया जाएगा, लेकिन हकीकत में झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कों पर सिर्फ गड्ढे ही नजर आते हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार इस मुद्दे को विधायक के सामने उठाया, लेकिन अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। आपको बता दें झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया की इस सड़क के ठीक सामने शाहदरा जिला का स्पेशल स्टाफ ऑफिस भी है। यहाँ के अधिकारियों का कहना है कि रात में सड़क की खराब स्थिति के कारण उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि 2016 से इस सड़क पर कोई मरम्मत या निर्माण कार्य नहीं हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर एक रेन बसेरा बनाने का काम शुरू किया गया था जिसे अधूरा छोड़ दिया गया, इस कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल आज के लिए पूर्व दिल्ली खास में इतना ही, देखते रहिए CCN लाइव।